सिवनी जिले के छपारा नगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जहां समस्याओं का अंबार लग गया। इस शिविर में छपारा तहसील क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। शिविर में पहुंची महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत छपारा में पिछले एक वर्ष से पेयजल समस्या विद्यमान है। पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए वे सीएम हेल्पलाइन, जिला कलेक्टर और विधायक से भी शिकायत कर चुकी हैं। बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम तो धोबी मोहल्ला ग्राम पंचायत छपारे की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पर पानी की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, सड़क की जो सफाई होनी चाहिए उसकी समस्या लेकर मैं आई हूँ। नालीकरण नहीं है हमारे मोहल्ले में, लाइट ढंग से मिलती नहीं है, ये सब समस्या लेके आई हूँ। मैं पिछले साल नवम्बर से सीएम हेल्पलाइन पे लगातार शिकायत कर रही हूँ, सचिव के पास बराबर जा रहे हैं हम लोग, सरपंच को कई बार लिखे हमने आवेदन बना के दिए। 15 दिन पहले मैं रजनीश भैया के पास में गई थी जो विधायक थे अपने यहाँ के, लेकिन वहाँ से भी कोई हेल्प नहीं मिली है और इसके कारण आज यहाँ जो जन सुनवाई थी उसमें मैं आई हूँ और अपनी समस्या। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या मेरी है पानी की, जिसके लिए हमें वार्ड की और पूरे छपारा की है, ये मेरी अकेली नहीं है पूरे छपारा की। और मैं तो मेरे घर की जो पाइपलाइन है वो इतनी खराब कर दी है पंचायत वालों ने कि मुझे पीने के पानी के लिए मुझे कम से कम इतनी परेशानी जा रही है कि पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है जरा, इसके लिए ये लोग बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट ने समस्याएं सुनी, जिसमें अपनी समस्याओं को लेकर नागरिकों ने आवेदन दिया। सिवनी से संजीव क्रीडिया की रिपोर्ट।